गुमला डीसी शिशिर कुमार सिन्हा सोमवार को पंचायत निरीक्षण कार्यक्रम के तहत शिवराजपुर पंचायत भवन पहुंचे। इस दौरान 14वें व 15वें वित्त आयोग से बनी योजनाओं व मनरेगा में चल रहे योजना व पूर्ण योजनाओं की गहनता पूर्वक जांच किया। इस दौरान योजनाओं का रिकॉर्ड जांच, माफी पुस्तिका सहित कई दस्तावेज की जांच की गई, जिसमें कई तरह की त्रुटि मिली, जिस पर संबंधित अधिकारी को जमकर फटकार लगाया। इस दौरान डीसी ने बीडीओ और सीओ को निर्देश दिया है कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाएं और लाभ दिलाएं। इस दौरान नवनियुक्त कनीय अभियंता जो बीते 2 माह से घाघरा प्रखंड में पद स्थापित है, जिन्हें पुराने कनीय अभियंता मनीराम उराव के द्वारा कार्यभार ना देने पर अभियंता व धनपद साहू को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि ग्राम सभा में ऐसी योजनाओं को चयन करें जिससे आम लोगों को पूरी लाभ मिले। कोई भी ग्रामीण ठेकेदारी कराने की मकसद से योजनाओं का चयन ना करे। गुमला घाघरा से पंकज कुमार की रिपोर्ट। पंचायत का निरीक्षण के का कार्यक्रम पूर्व से था, उसी के क्रम में हम लोग आए हुए हैं यहाँ पंचायत के योजनाओं के बारे में, मनरेगा की योजना, 15वीं वित्त आयोग की योजना एवं अन्य प्रकार की योजना जो पंचायत से क्रियान्वित होती है, इसके बारे में हम लोग समीक्षा किए। समीक्षा में कुछ त्रुटि भी पाए और उसका सुधार करने का हम लोग निर्देश दिए। उसके अतिरिक्त जो लंबित प्रधानमंत्री आवास की योजना है उसे भी पूर्ण करने के लिए हम लोग यहाँ के कोऑर्डिनेटर को और बीडीओ को निर्देशित किए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।